बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समईयात में से एक मसला है शफाअत का। कव शफाअतुल्लती इद्दखरहल्लाहु लहु हक्कन कमा रुविया फिल अखबार। शफाअत भी हक है। ज़हन में रखें कि शफाअत इसका सबूत कुरान अज़ीम से भी है और अहादीस तय्यिबा से और अहादीस तय्यिबा इस बाब में तवातुर मानवी रखती है। ठीक है ना। शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, ये शफाअत साबित हो रही है। वो अहादीस तय्यिबा जिनके अंदर शफाअत की तफसील है, लोग हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम उनके पास जाएंगे। ये सारा जो सिलसिला है ये मुतअद्दिद अहादीस में मुख्तलिफ अल्फाज और रिवायात के साथ मौजूद है। लेकिन ज़हन में रखें इस माना में सारी हदीसें शरीक हैं कि शफाअत है। शफाअत है, समझे बात को। शफाअत का जो सबूत है वो अहादीस के तवातुर मानवी से है। तवातुर मानवी क्या है? तवातुर मानवी है कि अल्फाज और मानी में इख्तलाफ के बावजूद एक माना कुल्ली में वो अहादीस व रिवायात उस माना कुल्ली में शरीक हूँ और वो माना कुल्ली हर दौर में इतने लोगों ने, जैसे बाबा की तवातुर की शर्तें, इतने लोगों ने रिवायत किया कि उनका झूठ पे इत्तेफाक है, वादतन मुहाल। बात समझे। तो जो अहादीस से शफात है, जो शफात है, शफात के वो तवातुर मानवी से साबित है। लिहाजा शफात के वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उम्मत की लोगों की शफात फरमाएंगे, ये शफात हक है। बात समझे नहीं। फिर उसके बाद समझे कि शफात की कई किस्में हैं। एक शफात उज़्मा, शफात कुबरा, ये हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका खासा है। शफात कुबरा क्या है, शफात उज़्मा क्या है? शफात उज़्मा ये है कि लोग मौकिफ में मैदान हश्र में मौजूद होंगे और हिसाब किताब का मामला शुरू नहीं होगा। ठीक है। लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा अला नबीन अलैहिस्सलाम, इन सब के पास जाएंगे। अहदीस सैयद में मौजूद है जी। इन सब के पास जाएंगे और हर एक नबी क्या फरमाएंगे, वो फरमाएंगे कि लस्त हुनाक, ये मकाम मेरा नहीं है, इधबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। समझे बात को। हर एक शख्स उस मैदान में नफसी नफसी पुकारेगा। ठीक है। और हर एक नबी ये फरमाएंगे कि इधबू इला गैरी, किसी और के पास चलेगा। हज़रत आदम, जनाब नूह, जनाब इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम के पास जब लोग आएंगे तो आप फरमाएंगे कि इधबू इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मकाम मेरा तो नहीं, लस्तु हुनाक, ये मकाम मेरा नहीं है, मैं आज शफात का दरवाज़ा नहीं खोल सकता, लेकिन पता बता देता हूँ, मुबश्शिरन बिरसूल यती मिन बाद इस्मिही अहमद, मेरे बाद एक ऐसी हस्ती आने वाली है जिसका नाम, इनका नाम इनामी अहमद है। तो हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दर अक़दस की जानिब रहनुमाई फरमाएंगे और लोग दरबार रिसालत में हाजिर होंगे। हुज़ूर फरमाएंगे कि अना लहा अना बिशफाअती, मैं शफात के लिए हूँ, बाकी लस्तु हुनाक, ये हमारा मकाम नहीं है,
हुजूर कहेंगे अना ला, बाकी कहेंगे नफसी, हुजूर कहेंगे उम्मती। हुजूर ये नहीं फरमाएंगे ज़हबू इला गई, हुजूर नहीं फरमाएंगे, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं मैं ज़ेरे अर्श सजदा करूँगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रअस कुल तुस्मा सल तोता इशफा तुशफा, ए हबीब मुकर्रम अपना सर एकदस उठाइए, आप कहिए कुल अय शईन, ठीक है ना, मफूल माजूफ है और मुराद उमूम है, जो बात करें आप जी तुस्मा आपकी हर बात सुनी जाएगी, सल अय शईन कुछ भी आज मांग लीजिए, जो मांगेंगे वो आपको अता कर दीजिए, इशफा तुशफा आप जिसकी भी शफात करेंगे हम उसकी शफात को आपकी शफात को कबूल करें, बात समझे जी। ये शफात उस्मा है, तवज्जो रखना जी, ये शफात कुबरा है जी। इस शफात से हिस्सा ईमान वालों को भी मिलेगा और काफिरों को भी मिलेगा जी। आप रहमतुल्लिल आलमीन नहीं जी, 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 आप रहमतुल्लिल आलमीन है ना जी। तो जब आप रहमतुल्लिल आलमीन है तो आपकी रहमत से हिस्सा फकत अली ईमान को नहीं, आपकी रहमत से हिस्सा कुफार को भी है जी। आपकी रहमत से हिस्सा कुफार को भी है, ठीक है ना, तो लिहाजा कुफार भी आपकी रहमत से हिस्सेदार हैं। हाँ दराजात मुख्तलिफ है, बात ज़हन में रखें, दराजात मुख्तलिफ हैं, हर एक रहमत में से हिस्सा अपने दर्जे के हिसाब से पाएगा जी। आप देखें ना जी, आपको अपने सारे अजीज़ों रिश्तेदारों से ताल्लुक मोहब्बत एक फितरी जिबिली मोहब्बत होती है, लेकिन क्या जो मोहब्बत औलाद से है बहन भाइयों से उसके बराबर है? ऐसा नहीं है। जो बहन भाइयों से है वो चचा मामू खाला के बेटों से है? ऐसा नहीं है। तो दराजात मुख्तलिफ हैं लेकिन मोहब्बत का जो किबला है, मोहब्बत का जो हदफ है, वो सारे के सारे हैं, मोहब्बत सबसे है जी। तो रहमत मुस्तफ़ा जो है वो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए रहमतुल्लिल आलमीन है, ठीक है। तो ये शफात कुबरा से हिस्सा काफिर भी पाएंगे और उनको मौकिफ से नजात मिलेगी। इलल नार है या इलल जन्ना है ये अलग मसला है, लेकिन वहां पर वो रुक रुक के हजारों साल गुजर जाएंगे ना जी, तो पता ही नहीं कहाँ जाना है जी। बात समझे, ये मुस्तकिल परेशानी है, ये जन्नतियों को भी परेशानी है, जाना कहाँ पर है। आप देखो ना, ये आपका इम्तिहान बिल्कुल ठीक हुआ है जी। लेकिन रिजल्ट आने तक तो आप परेशान रहते हैं ना जी। रिजल्ट आया आप ए प्लस में पास हो गए, लेकिन वो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा ना, इससे पहले तो परेशानी है जी। तो लिहाजा जन्नतियों को भी परेशानी है, औलिया को भी परेशानी है, समझे, नेकुकारों को भी परेशानी है, पता नहीं जाना कहाँ पर है। इसलिए ये जो शफात उज़्मा है, शफात कुबरा है, ये हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका खासा है, ये सिर्फ हुज़ूर को मिलेगा। इसको बयान करते हुए आपने फरमाया अना अव्वल शाफ़ी व अव्वल मुशफ़ा, सबसे पहला सिफारशी भी मैं हूँ और सबसे पहला मैं हूँ जिसकी सिफारिश और शफात अल्लाह के दरबार में कबूल की जाए, समझे बात को। लिहाजा ये है शफात उज़्मा। एक शफात ये है कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शफात से लोग बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, ये दूसरी शफात है, ठीक है ना। पहली शफात थी उज़्मा कुबरा सब के लिए, दूसरी शफात है अपनी उम्मत के बाद अफराद के लिए कि वो बगैर हिसाब की जन्नत में दाखिल, समझे। तीसरी शफात है उन लोगों के लिए जो मुस्तौजिबे नार हैं, मुस्तहिक नार हैं जी, जी हुजूर शफात करेंगे और उनको जहन्नम में दाखिले से पहले रोक लेंगे, जन्नत में जी। तीसरी जी। चौथी शफात ये है कि जो जहन्नम में जा चुके अपने आमाल की वजह से, अपनी सजियात की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में जा चुके, अब हुजूर की शफात से जहन्नम में से निकाल लिए जाएंगे और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जब मैं ज़ेर अर्श सजदा करूँगा, अल्लाह करीम फरमाएगा कुल तुस्मा सल तोता वशफा तुशफ़ा, मैं जब शफात करूँगा रब फरमाएगा जहन्नम में चले जाओ और जाकर जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है उसे निकालो, मैं निकाल के ले आऊँगा। अब ये अदीस तवील है, उसमें आगे चल के फरमाया अदना 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 में मिसकाल हब्बत मिन खर्दल, जिसके दिल में राय के दाने से कम, उससे कम, उससे भी कम, तीन दर्जे कम है, उसको भी निकाल लो, समझे जी, जी। निकाल के जन्नत में मैं फिर चला जाऊंगा, मैं फिर चला जाऊंगा,
زیر ایر سجدہ کروں گا رب کریم فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک خل تسمع سل توتا اشفع تشفع میں عرض کروں گا یا اللہ اب کچھ لوگ رہتے ہیں اب آپ دیکھیں ادنا 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 من مثقال حبت من خردل وہ تو نکل چکے ہیں اب کلمہ کو یان رہ گئے ہیں رب فرمائے گا ان کو میں خود نکالوں گا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنا دستے اقدس جہنم میں ڈالے گا اور ان کو نکال کے لے آئے گا ذہن میں رکھنا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب جو نکلے وہ حضور کی شفاعت سے نہیں نکلے وہ حضور کی شفاعت سے ہی نکلے حضور نے جا کے سوال کیے رب نے فرمایا میں خود نکالتا ہوں سمجھو بات کو تو یہ بھی حضور کی شفاعت سے نکلے تو ایک شفاعت یہ بھی ہے یعنی جو لوگ جہنم میں جا چکے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے وہ جہنم میں جا کر ان کو نکال نکال کر جو ہے وہ جہنم میں بھیجیں ایک شفاعت ہے آپ علیہ وآلہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت کے اندر رفع درجات کے لیے درجات کی بلندی کے لیے سمجھے بات کو تو یہ میں نے آپ کو پانچ شفاعتوں کی طرف اشارہ کیا لیکن ہمارے اصحاب سیرت نے اس سے زائد شفاعتیں بھی ذکر کی پہلی جو شفاعت ہے وہ ہے شفاعت کبریٰ وہ تمام آل موقف کے لیے تمام میدان حشر میں آل ایمان اور آل کفر سب کے لیے دوسری جو شفاعت ہے وہ ہے بحساب جنت میں داخلہ تیسری شفاعت ہے گناہ گار جو مستحق کے نار ہیں قبل از دخول نار جنت میں داخلہ چوتھی جو شفاعت ہے وہ ہے کہ بعد از دخول نار حضور کی شفاعت سے جنت میں داخلہ پانچویں جو شفاعت ہے وہ جنت کے اندر فی درجات کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت آپ بات سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے یہ پانچ شفاعتیں اس کے علاوہ بھی شفاعتیں مدینہ والوں کے لیے شفاعت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بھی بعض شفاعتیں آل سیرت نے ذکر کی ہیں لیکن یہ سب احادیث طیبہ کو ملاؤ تو تواتر معنوی حاصل بعض جو شفاعتیں ہیں وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہیں بالخصوص شفاعت کبریٰ دیگر جو بعض شفاعتیں ہیں ان میں سے بعض حضور کے ساتھ خاص ہیں اور بعض اللہ رب العالمین نے حضور کے صدقے باقیوں کو بھی دی ہے اس لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ فقط میں شافع ہوں فرمایا انا اول شافع و اول مشفع اول میں ہوں اول میں ہوں مجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے جب دروازہ کھلتا ہے نا تو پھر حوصلے اور لوگوں کو بھی بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت آپ کو شفاعت کرتا دیکھ کر باقی بھی شافعین جو ہیں وہ دربار خداوندی میں شفاعت کرنے کی سفارش کی گزارش کر لیں گے کہ یا اللہ فلاں کو معاف کر دے فلاں کو معاف کر دے لیکن دروازہ جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے تصدیق تصدیق کھلے بات سمجھے تو یہ ہوگی بات شفاعت کی ذہن میں رکھنا جو بھی شفاعت ہے وہ شفاعت بالاذن ہے شفاعت بالاذن ہے شفاعت بدون الاذن نہیں ہے شفاعت بدون الاذن نہیں ہے جو لوگ شفاعت کے منکر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بغیر رب کی اجازت کے کون شفاعت کر سکتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ ولا یشفع عندہ یہ تو فرمایا لیکن اللہ بیذن نے بھی تو فرمایا جہاں پر بدون الاذن شفاعت کے نبی ہے وہاں بالاذن شفاعت کے اثبات بھی تو ہے سمجھے بات کو وہاں بالاذن ہے شفاعت کا اثبات ہے لہذا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اولیاء علماء بھی شفاعت کریں گے لیکن علماء حق ہونے چاہیے جو علماء سو ہیں وہ کسی کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں تو ان کے لیے بھی بڑا کام ہے ورنہ وہ تو اپنے مسئلے میں پریشان ہوں گے ٹھیک ہے نا جی ہاں جو علماء سو ہیں وہ تو اپنے معاملات میں پریشان ہوں گے وہ خود شفاعت کے محتاج ہوں گے ایمان پر مریں گے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی شفاعت جو ہے وہ آپ بڑے رحیم ہیں آپ بڑے کریم ہیں آپ بڑے مہربان ہیں آپ کی مہربانیاں ہیں جو ایمان پہ مرے گا وہ جنت میں داخل ہو ہی جائے گا حضور کی شفاعت سے رب کی رحمت سے لیکن علماء سو جو ہیں وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکیں گے نہ ان کی یہ حیثیت ہے وہ خود کسی کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں تو ان کے لیے یہ بھی احساس ہے یہ شفاعت کا بیان ہے اس کے بعد بات کی میثاق کی ذہن میں رکھیں یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے اصل میثاق ایک ہے تفصیلات میثاق اصل میثاق یقینی ہے
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अज़ीम में मीसाक का बयान किया कि अल्लाह करीम ने हज़रत सैयदना आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम की पुश्त अक़दस से उनकी औलाद को निकाल के उनसे मीसाक लिया। अलस्तु बिरब्बिकुम, उन्होंने कहा भला अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? सब ने कहा तू हमारा परवरदिगार है, तू हमारा परवरदिगार है। समझी बात को? ये मीसाक है, ये हक है, नफ्स मीसाक हक है। इसकी जो तफसीलात हैं वो उलमा ने बयान की हैं, लेकिन इसकी तफसीलात में न पढ़ना बेहतर है। क्यों? इसलिए कि इसकी जो तफसीलात हैं, कैफियात हैं, बाम मुतारिस भी हैं और किसी यकीनी और हतमी उसलूब में साबित भी नहीं है। कज़िये अक्ल से मावरा है। बाज़ ने कहा कि हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम उनकी पुश्त से औलाद आदम को निकाला, उनकी पुश्त से निकाला। बाज़ ने कहा कि उनकी पुश्त, हर एक की पुश्त से उसके औलाद को निकाला था कि आप क्या में क्या। फिर फ़कत रूहों से मीसाक था। बाज़ ने कहा उनको इतना बड़ा किया जितनी जितनी उम्र में आके अकल आती है, समझ आती है, दानिश आती है जी, 12-15 साल की, जब हर एक शख्स 12-15 साल, 18 साल, 20 साल का हो गया तो अब उनसे मीसाक लिया। लस्तु बिरब्बिकुम, समझे बात को? इख्तिलाफ है कि अजसाद माल अरवा से मीसाक हुआ, माज अरवा से मीसाक हुआ, और उनको कितनी उम्र में उससे मीसाक लिया गया, उनको अकल दी गई और या सात उम्र भी उनकी बड़ी, इसकी तफसीलात में इख्तिलाफ है। समझे बात को? लेकिन नफ्स मीसाक हक है। इसलिए इमाम ताहिर रहमतुल्लाह तआला फरमा वल मीसाक अल्लज़ी अखज़हु अल्लाह तआला मिन आदम व ज़ुर्रियती हक्कुन। असल मीसाक पे हमारा ईमान है, असल मीसाक। उसके बाद तफसीलात मीसाक जो हैं वो उनमें से जो जिस कदर साबित हैं बतरी के मोतबर, उनको हम उसी अंदाज में मानते हैं, लेकिन जिनमें तारुज है उनकी तफसीलात में न पढ़ना बेहतर। बात समझो? और मीसाक है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद से लिया, हक है। समझे बात को? अब इसमें यह भी तफसील है कि जन्नती एक तरफ कर दिए, जहन्नमी एक तरफ कर दिए। जब कहना जन्नती एक तरफ कर दी, जहन्नमी एक तरफ कर दिए, तो पता चला जन्नती और जहन्नमी तो जब ही मुमताज हो चुके थे जी, इससे ये पता चलता है जी। तो वक़द आलिम अल्लाह फ़ी मा लम यज़ल, ये उसी चीज़ का बयान है जी।